हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रिपब्लिक डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो चलिए आज टेरेस पे कुछ 2023 में बड़ी हार्वेस्टिंग करते हैं और साथ में आपको देते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स कैसे आप टेरेस गार्डनिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो ये देखिए, ये मैंने मटर जो है, ये पॉलीथीन वाले ग्रो बैग आते हैं, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप टेरेस गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप इन पॉलीथीन जैसे ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं। इनमें देखिए मैंने मटर के प्लांट लगाए थे और अभी इसको मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अपने यहाँ टेरेस गार्डनिंग करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये जो हम इस पे वेजिटेबल उगाते हैं पूर्णतः ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है, जो कि हमारी सेहत के लिए एक वरदान से कम नहीं है। देखें कितने सारे मटर लगे हैं। इस तरफ जो मैंने मटर लगाए थे वो मैंने इस क्रेट में लगाए थे, प्लास्टिक वाले क्रेट में, जो कि आपको सस्ते रेट पे आसानी से बाजार में मिल जाता है। तो टेरेस गार्डनिंग में आप ये भी यूज कर सकते हैं। सो ये है लेटस, जो कि मैंने इसको भी ग्रो बैग में ही लगाया था। तो चलिए इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है टोमेटो। तो टोमेटो उगाने के लिए मैं आपको टिप देता हूँ कि अगर आपको टोमेटो में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो टमाटर में आप नीम खली का प्रयोग करें। नीम खली का प्रयोग करने से टोमेटो में जो आपकी टोमेटो की प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी और इतने टमाटर लगेंगे। ये कम से कम मैं अभी चौथी पाँचवीं बार हार्वेस्ट कर रहा हूँ इसको। टोमेटो को प्लांट को, कोई भी वेजिटेबल प्लांट को, आप हर 15 दिन के बाद बीमारियों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उससे इनमें बीमारियां नहीं लगेंगी और ये ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाली वेजिटेबल जो है आप उगा पाएंगे। देखिए कितने टोमेटो लगे हैं, मैं थक गया हूँ तोड़ते तोड़ते। ये देखिए हमारे यहाँ इनको मूंगरे और सूंगरे बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। ये भी वन काइंड ऑफ बीन्स है, इसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है और ये हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी होती है। सो ये शलगम है, इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। एक टेरेस गार्डनिंग में एक और समस्या आती है, खाद की एक प्रॉब्लम। तो खाद तो आपको बर्मी कंपोस्ट यूज करनी पड़ेगी, लेकिन उसको बर्मी कंपोस्ट कई बार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं मिल पाती है, तो आप उसकी जगह लिक्विड सीवीड यूज कर सकते हैं। वो भी एक संपूर्ण खाद है। सीवीड के रिलेटेड में ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी वेजिटेबल मुझे मिली है हार्वेस्ट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।